हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं, बहुत बेहतरीन शेयर है और जब तक मार्केट रहेगी वो शेयर भी रहने वाला है। तो आपको और गवर्नमेंट से रिलेटेड वो शेयर है, गवर्नमेंट कंपनी कह सकते हो उसे, तो बहुत बेहतरीन शेयर है, उससे रिलेटेड बातें करने वाले हैं। बट बिफोर दैट, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन को हिट कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए। और अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं डीमैट अकाउंट, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिससे आपका इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो फ्री में आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा एंजल ब्रोकिंग के साथ, जिनका एप्लीकेशन भी काफ़ी बेहतरीन है, जीरो डिलीवरी चार्जेस है, फ्री में अकाउंट ओपन हो रहा है और नंबर वन ब्रोकिंग सर्विसेज है, बहुत बेहतरीन है, तो आप इसे जाके यूज़ कर सकते हैं। तो आइए पहले बात शेयर की तरफ चलते हैं और देखिए रिटर्न्स देख लीजिए। वन डे वन वीक में आपको नेगेटिव दिखाई दे रहा है, बट सारे पैरामीटर्स पे आपको पॉजिटिव दिखाई देगा। अगर सिक्स मंथ की बात की जाए तो लगभग 94% के रिटर्न्स है और वन ईयर में लगभग 130% के रिटर्न्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। और ये कंपनी को लिस्ट हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 3 ईयर्स हुए और 3 ईयर्स में भी अगर आप देखें तो पॉजिटिव रिटर्न्स ही आपको मिले हैं लगभग 49% के। तो ये तो हो गया यहाँ पर इस शेयर से रिलेटेड बातें कि यहाँ रिटर्न्स का प्रोफाइल। अगर उस शेयर की बातें करें कि शेयर अगर हम देखें, देखिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो जून 2017 में ये लिस्ट होती हुई नज़र आई थी हमें, 261 का 261 रुपये का ये शेयर था। उसके बाद देखिए लगभग आज 519 रुपये का शेयर है, ये नीचे गिरता हुआ हमें नज़र आया था इसी कंसोलिडेशन फेज पे। बट जैसे कि आप जानते हैं कि पेंडामिक में कितने लोगों ने शेयर मार्केट को ज्वाइन किया है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये शेयर बाज़ार से रिलेटेड ये एक ऐसा शेयर है कि जब तक मार्केट रहेगी तब तक ये शेयर रहेगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट हुई थी हमें, ज़्यादा गिरावट नहीं हुई, बट उसके बाद जो रिटर्न्स दिए हैं वो आपके सामने हैं। ओके, मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं 160-170% के, जो कि आप देख सकते हैं विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम। और कंपनी का नाम क्या है तो रिवील कर देता हूँ, कंपनी का नाम है CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। मतलब यहाँ पर डिपॉजिटरी आ रहा है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं डिपॉजिट से रिलेटेड। बट क्या डिपॉजिट होता है, तो यहाँ पर आपके शेयर्स डिपॉजिट होते हैं। तो एक बार दिखा देता हूँ कि ये क्या है। CDSL अलाउज इन्वेस्टर डिपॉजिट सिक्योरिटीज़ बाय ओपनिंग एन अकाउंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म। मतलब ये है कि पहले के ज़माने में जब तक इलेक्ट्रॉनिक नहीं हुआ करता, जब तक कंप्यूटर पे और आप फ़ोन पे एप्लीकेशन यूज़ नहीं किया करते थे, ऐसी सर्विसेज नहीं थी, तो क्या होता था कि आपके जो शेयर्स होते थे वो बुक पे हुआ करते थे। ओके, आपको एक रिसिप्ट दी जाती थी, उसी में आपके होते थे जब डब्बा बाजार हुआ करता था। बट अब क्या होता है कि आप अब ऑनलाइन ही ट्रांजेक्शन करते हैं शेयर्स की। ओके, आपके ऑनलाइन ही दिखाते हैं कि आपने कितने शेयर परचेज किए हैं, तो उस चीज़ का हिसाब कौन रखता है, उस चीज़ का हिसाब दो कंपनीज रखती है, CDSL एंड NDSL। ओके, तो CDSL ये BSE से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर आप अगर आप देखेंगे ना तो ये NSE पे ही लिस्ट होता हुआ नज़र आएगा आपको, BSE पे लिस्ट होता हुआ नहीं नज़र आएगा, वो भी मैं आपको दिखाऊँ। देखिए गेट्स इस रेवेन्यू फ्रॉम ट्रांजेक्शन चार्जेस। तो आप देखिए, आप अपने शेयर्स बेचते हैं, ओके, खरीदते हैं, तो बेचते खरीदने पर जो आपके ट्रांजेक्शन चार्जेस लगते हैं ना, जैसे कि 20 रुपीज़ लगता है, बट उसमें से 15 रुपीज़ जो जाता है ना, जो मुझे पता है 15 रुपीज़ CDSL को जाता है। अगर कोई अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस जो ईयरली चार्जेस लगते हैं वो भी देखिए CDSL वहाँ से पैसा कमाता है। चार्जेस सेटलमेंट चार्जेस पेड बाई डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एज वेल एज एनुअल फीस। ओके, कॉर्पोरेट एक्शन, ई वोटिंग, जैसे कि आपको मेल वगैरह आता है किसी पर्टिकुलर कंपनी से कि ई वोटिंग करिए, तो उस सभी चीज़ों में यहाँ पर ये कंपनी उसके थ्रू पैसा कमाती है। तो काफ़ी बेहतरीन इनका ये बिजनेस है। ओके, और देखिए ये जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड या नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट, दोनों एक ही है। ओके, कोई इनमें डिफरेंस नहीं है, बट क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए NSDL हैज NSE एट इस लार्जेस्ट शेयर होल्डर। तो NSDL के जो शेयर होल्डर्स है वो NSE है और CDSL के जो शेयर होल्डर्स है वो BSE है। तो यही इसमें खास अंतर है। तो मतलब ये BSE से रिलेटेड है, तो आपको बताइए BSE का कोई भी रिलेटेड होगा तो वो NSE में लिस्ट होगा, और NSE का जब अगर कभी फ्यूचर में NSDL आया तो वो कहाँ पर लिस्ट होता हुआ नज़र आएगा, वो आपको लिस्ट होता हुआ नज़र आएगा BSE में। तो यही सारी बातें हैं। ओके, और यहाँ पर अगर हम देख ले तो देखिए यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन इनका पोर्टफोलियो। देखिए इन्वेस्टर्स अकाउंट्स कितने हैं, लगभग 2.78 करोड़ तो इनके इन्वेस्टर्स के अकाउंट्स है। ओके, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, 589 नंबर ऑफ सिक्योरिटी इन डीमेट कस्टडी। तो कितने हैं नंबर ऑफ सिक्योरिटी इन डीमेट कस्टडी, तो यहाँ सिक्योरिटीज़ की बात की जा रही है तो लगभग 4,58,572 मिलियन
इतने नंबर ऑफ सिक्योरिटीज इन डीमेट कस्टडी है इनके पास, और वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज इन डीमेट कस्टडी की बात की जाए तो ये आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन यहाँ पर हर चीज़ नज़र आती हुई आपको नज़र आ रही है। तो ये तो है कंपनी के बारे में जो मैंने आपको बताया। आप कंपनी की बात करें तो कंपनी कंप्लीटली डेट फ्री है। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो रिजर्व्स, तो देखिए कंपनी के रिजर्व्स अगर पिछले 5 साल की बात की जाए तो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लगभग 465.11 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर रिजर्व्स है कंपनी के पास, और डेट फ्री है देखिए लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म, कोई भी बोरिंग नहीं है। और एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये जो कंपनी है स्मॉल कैप कंपनी है तो थोड़ी वॉलीटिलिटी देख सकते हैं, बट जिस तरीके का बिजनेस, जिस तरीके का इनका प्रॉफिट हर साल क्वार्टरली एज वेल एज ईयरली नज़र आता है तो ये आगे की तरफ ही बढ़ने वाली है। और दूसरी बात, अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछ लीजिएगा। इसके अलावा देखिए इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो करंट इन्वेस्टमेंट लगभग 233.92 करोड़ रुपीज़ का करंट इन्वेस्टमेंट है, और अगर हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो लगभग 24 करोड़ रुपीज़ का इनके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। एज वेल एज शेयर होल्डिंग पैटर्न्स दिखा देता हूँ। देखिए प्रमोटर्स के पास केवल 20% की हिस्सेदारी है। फॉरेन इन्वेस्टर ने देखिए क्या बैंकर मतलब क्वार्टर टू में क्या बैंक जून से सेप्टेम्बर के बीच में 8.52% की यहाँ पर यहाँ पर हिस्सेदारी ले लिया। म्यूचुअल फंड ने थोड़ा सा घटाया है, इंश्योरेंस कंपनी ने देखिए बढ़ा दिया है 4.63, क्योंकि वो जानते हैं कि क्या होने वाला है शेयर में। और नॉन इंस्टीट्यूशंस की भी बात की जाए 38.13% की हिस्सेदारी यहाँ पर रखते हैं। तो सब कुछ यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, तो इसकी तरफ आप ध्यान बना के दे सकते हैं। रिटर्न्स का प्रोफाइल देखिए, रिटर्न्स काफ़ी बेहतरीन है और सारे कंपनी भी काफ़ी अच्छी है, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं। और इस शेयर में निवेश करने से पहले जरूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार रिक्वेस्ट कर लीजिए, अपने पूछ लीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, और हमारे इस चैनल बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।